पेड़ के ऊपर ऊपर तक जा रखी है यहाँ तक, और वहाँ से देखिए इतने उसके ऊपर तक जा रखी है। तो यहाँ पर मामा कर रहे हैं प्लास्टर, ये देखिए सामने पे। तो अंदर जाके मैं डिज़ाइन दिखाता हूँ यहाँ डिज़ाइन कैसे बना रखा है। तो ये है जो बरामदा, यहाँ पर ऐसा डिज़ाइन बना रखा है। चल ऊपर, चल ऊपर ऊपर, हाँ जहाँ बोलो वहाँ चल, आ जाओ ऊपर, चल चल अंदर। क्या है अंदर, क्या है अंदर, क्या है अंदर। और ये देखिए बड़ी मम्मी और का घर ऐसा कुछ बन रहा है, मतलब सेकंड मंजिल चल रही है चढ़ के, मतलब प्लास्टर हो रहा है। तो ये देखिए ये बना रहा हूँ भाई म्यूज़िक प्लेयर में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से योगेश। तो हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आ चुका हूं मैं अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो मैं कल आया था यहां घर पे, तो आज सुबह सुबह मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं। अभी मैं यहां छत पर आ रखा हूं। तो सुबह के बज चुके हैं अभी 7:30 बज चुके हैं। तो सुबह सुबह मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। फिर देखते हैं आज के दिन की क्या क्या एक्टिविटी रहती है। बाकी इस ब्लॉग के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत अपडेट मिल जाएगा यहाँ का। तो चलो फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर धूप आ चुकी है, मतलब अब निकल चुकी है पूरी धूप। और आसमान देखिए कितना साफ, एकदम पूरा साफ हो रखा है आसमान। और कल रात को तो बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन अभी पूरा साफ है। देखिए आसमान पूरा साफ है, मौसम तो पूरा साफ हो रखा है। अभी कल रात को शाम को बारिश हो रही थी, और फिर रात भर हुई थी बारिश, अभी तो ठीक है पूरा साफ हो रखा है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा, मतलब जंगल जैसा हो गया एकदम पूरे। देखिए झाड़ी झाड़ी हो चुकी है वहाँ पर, और जो यहाँ पर हमने लगा रखी थी ना, ये देखिए इतनी खतरनाक खतरनाक हो रखी है भाई। इतने पेड़ पेड़ के ऊपर ऊपर तक जा रखी है यहाँ तक, और वहाँ से देखिए इतने उसके ऊपर तक जा रखी है, इसमें भी जा रखी है ऊपर तक। बाकी ये सारा पूरा हरा हो चुका है नीचे पूरा, देखिए ये यहाँ पर हमारा पपीते का पेड़ भी था वो भी टूट चुका है। और यहाँ छत छत में आ रखी है, हमारे पूरी छत के ऊपर भर रखी है। बाकी ये देखिए मामा जी वहाँ पर काम कर रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं वहाँ पर। तो अभी मैं छत पे आ रखा था, बाकी रस्टी भी मेरे पीछे पीछे आता है हमेशा। ये देखिए यहाँ पर रस्टी, ये देखिए हमेशा पीछे पीछे जहाँ मैं जाऊँ वहीं आता रहता है, अभी बैठ रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस साइड दिखाता हूँ ज़रा, इस साइड क्या क्या है और रखा है। तो इस साइड देखिए उस पे वहाँ पर भी पपीते लग रखे हैं उस वाले पेड़ पे, मतलब 12 माह से लगते हैं इन पेड़ों पे। और यहाँ पर भिंडी लगा रखी है, ये देखिए उस साइड। बाकी ऐसा कुछ है यहाँ का नज़ारा, अब पूरा हरा भरा हो चुका है बारिश की वजह से। ये देखिए ये पीछे पीछे आ गया फिर भौंक रहा है वहाँ, दूसरा कुत्ता देख लिया ना उसने टाइगर, अब जाएगा फिर पीछे पीछे उसके। जा जा पकड़ 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 रस्ती पकड़ 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 पकड़। वो देखिए भगा के आ गया उसको, वो देखिए कहाँ तक खदेड़ रहा है, वो देखिए वहाँ चले गया। तो यहाँ पर मामा कर रहे हैं प्लास्टर, ये देखिए सामने पे। अभी वहाँ पर डिज़ाइन निकाल रखा है ना नीचे की साइड, तो ऊपर की साइड थोड़ा सा खरदरा खुरदुरा हो रखा था उस साइड देखिए। तो वहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। बाकी ये देखिए प्लास्टर पूरा हो चुका है आंटी लोगों का घर, ये देखिए ऐसा कुछ हो रखा है, पूरा प्लास्टर हो चुका है। ये देखिए अंदर डिज़ाइन भी निकाल रखे हैं, मैं दिखाऊँगा अभी आप लोगों को। बाकी आंटी देखिए वहाँ पर सीढ़ी बना रहे हैं, और मम्मी यहाँ पर बर्तन धो रहे हैं। तो धूप काफ़ी तेज़ चमक रही है यहाँ पर, इतने सुबह को इतनी तेज़ चमक रही है, तो दिन को तो क्या ही होगी मतलब हालत। बाकी यहाँ पर देखिए कितना मस्त ऐसा लग रहा है जैसे फूल होंगे उड़ रहे हैं वो। बाकी वो देखिए वहाँ पर वो बैठ रखा है सारस, और ये काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं अभी, क्योंकि बरसात के बाद जैसे ही बरसात रुकती है ना उसके बाद यहाँ इतने सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना उड़ उड़ के। तो अब यहाँ पर काफ़ी तेज़ धूप होने लग गई है सुबह के टाइम, मतलब काफ़ी चढ़चढ़ी धूप लग रही है। दिन को तो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब सुबह को होने लग गई है तो दिन को तो होती रहती है। तो अभी मैं नीचे जाके दिखाता हूँ वो जो आंटी लोगों का घर बना रखा है ना, उनके डिज़ाइन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को वहाँ पर जाके। तो यहाँ पर देखिए ये लगा रखे हैं हम लोगों ने, फूल लगा रखे थे प्यारे प्यारे फूल, अभी हो रखे हैं प्यारे प्यारे हो रखे हैं फूल भी। देखिए लाइन से लगा रखे थे सीढ़ी सीढ़ियों में, कुछ कुछ तो प्यारे प्यारे हो रखे हैं, कुछ हो ही नहीं रखे। तो यहाँ पर देखिए पपीते का पेड़ भी बहुत बड़ा हो चुका है, और इस ऊपर ऊपर जितने ऊपर जा रहा है बढ़ते जा रहा है, इसमें पपीते लगते जा रहे हैं। पहले यहाँ तक लगता था, यहाँ से एक और निकल चुका है,
पंगोड़ा, और वहाँ पर देखिए रस्टी वहीं पर बैठा हुआ है, आ गया देखो जैसे मैंने बोला वैसे आ गया पीछे पीछे। चल भाई आजा, यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा मतलब झाड़ी झाड़ी जैसी लग रही है ना यहाँ पे, पूरे सेम फली के पत्ते हैं, पूरे हरा हो रखा है, लेकिन अभी ज़्यादा लग नहीं रखे इस पर सेम फली। बाकी प्रसन्ना शायद अंदर झाड़ू पोछा मकर रही है, तो इस साइड जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी गुलाब लगा रखे हैं, फूल लगा रखे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस साइड लौकी दिखाता हूँ मैं, लौकी हैं कि नहीं है। यहाँ देखिए हाजरी के फूल लगा रखे हैं, मतलब पूरा हरा भरा हो रखा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सांप भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ऐसी झाड़ियों में, तो ध्यान से चलना चाहिए यहाँ। बाकी यहाँ पर लौकी दिख नहीं रही है अभी, शायद मम्मी लोगों ने तोड़ के खा दी जिस दिन मैं आया था, इस दिन बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर लौकी, अभी है नहीं यहाँ पर लौकी। देखिए ऊपर की साइड जा रखे सेम फली, लेकिन अभी लग नहीं रखी उस पर, छोटे छोटे लग रखे, ज़्यादा नहीं लग रखे। है रस्टी पीछे पीछे क्या आया तेरा है। तो अंदर जाके मैं डिज़ाइन दिखाता हूँ यहाँ डिज़ाइन कैसे बना रखा है। तो ये है जो बरामदा, यहाँ पर ऐसा डिज़ाइन बना रखा है, ये देखिए यहाँ बरामदे में, और इस वाले कमरे पे बना रखा है ऐसा वाला डिज़ाइन बना रखा है। यहाँ बीच में भी पंखा लगेगा, तो ये देखिए साइड साइड से, और इस साइड देखता हूँ यहाँ कुछ बना रखा है क्या। बाकी इनके भी छोटे छोटे डिज़ाइन बना रखे हैं जहाँ पर बल्ब लगाई जाती है, ये देखिए यहाँ पर भी बना रखा है छोटे छोटे डिज़ाइन। और ये वाला डिज़ाइन देखिए, इस कमरे का डिज़ाइन कुछ ऐसा कुछ बना रखा है, ये देखिए ऐसा कुछ कमरा है। बाकी ये दरवाज़ा बना रखा है, एक दरवाज़ा ला रखा है, तो इसे भी लगाएंगे शायद यहाँ पे। तो उस साइड वाला वो लास्ट वाला कमरे का डिज़ाइन दिखाता हूँ। बाकी ये पहले सीढ़ी से ऊपर जाके नहीं तब जाके दिखा दूँगा मैं, ये देखिए मतलब उस वाले का भी सेम ऐसे डिज़ाइन है शायद, उस वाले का भी सेम ऐसे डिज़ाइन है। चल ऊपर ऊपर, हाँ जहाँ बोलो वहाँ चल, आ जाओ ऊपर, चल 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 चल, थक लग गए क्या, चल 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 शाबाश, थोड़ा और ऊपर ऊपर चलो, ऊपर और ऊपर चलो, और ऊपर चलो, चलो। ये मैं छत पे पहुँच चुका हूँ, ये देखिए ये है छत, यहाँ से सामने का नज़ारा कितना मस्त दिखता है, पूरा व्यू दिखता है यहाँ का चक्राता साइड का। ये ऊपर है ना जो पहाड़ दिख रहे हैं, वो सारे पहाड़ वो चक्राता के पहाड़ हैं, और काफ़ी ख़तरनाक है वहाँ के पहाड़। आप जाओगे तो वहाँ मतलब देखने लायक काफ़ी व्यू पॉइंट है मस्त एकदम। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे घर बन गए हैं, सामने पर भी देखिए वहाँ पर भी बन चुका है घर, ये देखिए अभी वहाँ पर चिनाई होके मतलब प्लास्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है सुबह का, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी प्लास्टर हो चुका है, बार बार रह रखा है इस साइड से। तो अभी मामा इस साइड कर रहे हैं प्लास्टर, यहाँ देखते हैं ज़रा, ये देखिए ये है मसाला, ये कर रहे हैं प्लास्टर, ये कर लिया इतना कर लिया, यहाँ से पूरा डिज़ाइन में सामने तक ले जाएंगे प्लास्टर कर करके। ओए रस्टी वहाँ ख़राब मत करना तू, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सामने पे मुंगरी लगा रखी है, वो देखिए वहाँ पर पूरी खेती कर रखी है मुंगरी की भाई साहब, लेकिन लग नहीं रखी उन पर, कम से कम लग रखी है अभी, क्योंकि अभी शुरुआत ही है ना, और ये मतलब अब पक जाएगी कुछ टाइम बाद, फिर खाने लायक भी हो जाएगी, अभी तो पकी नहीं है। तो ये देखिए पीछे की साइड से भी हो चुका है प्लास्टर, ये देखिए पूरा प्लास्टर हो चुका है अभी, मतलब प्लास्टर तो ख़त्म ही होने वाला है अब इस साइड तो। तो धूप काफ़ी तेज़ चमक रही है, मैं अंदर जाता हूँ फिर। अब यहाँ नेटवर्क भी नहीं आते अभी, तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे, कल से एक नेटवर्क ही नहीं आ रखा भाई मेरा। यहाँ छत पे काफ़ी गर्मी हो रही है, तो अब जाते हैं नीचे की ओर, तो नाश्ता वास्ता भी कर लेते हैं, फिर काम करते हैं थोड़ा सा, फिर चलते हैं इधर उधर वीडियो बनाने चलते हैं फिर कहीं। पारस भी घर में होगा तो चलेंगे, पारस कॉलेज जा रखा होगा तो पता नहीं, देखेंगे फिर। चलो नहीं चलोगे, मैं तो चल रहा हूँ भाई, चल आगे चल, शाबाश, चल 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 चल, चलो चलो हैं।
चल 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 सीधा अंदर सीधा अंदर क्या है अंदर क्या है अंदर क्या है अंदर क्या है क्या खेल रहा है पाँव पड़ रहा है सुबह सुबह है मैं घर के दूसरी वाले साइड आ रखा हूँ पीछे वाली साइड जहाँ आम का बगीचा है। ये देखिए रस्टी वहाँ पर खेलते जा रहा है बार बार और आम तो ख़त्म ही हो चुके हैं कुछ भी नहीं बचा है अब आम तो आम का सीजन भी गया और हिमाचल के सेब भी हो चुके हैं ख़त्म कुछ कुछ रह रखे होंगे तो हिमाचल से भी हमने सेब ला लिए थे तो मम्मी और भी आ चुके हैं हिमाचल से तो कब के आ चुके थे तो मैं यहाँ से एक बार उस साइड का नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ का। तो ये है कुछ ऐसा कुछ नज़ारा अभी तो देखिए पूरी घास जम रखी है इस साइड यहाँ भी ज़मीन ले रखी है और फिर भी यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा घास जम रखी है। बारिश हो रही थी तो घास तो जमनी है बारिश से तो थोड़ा सा नमी मिल गई ना इसलिए फिर। और ये देखिए बड़ी मम्मी और का घर ऐसा कुछ बन रहा है मतलब सेकेंड मंजिल चल रही है चढ़ के मतलब प्लस्तर हो रहा है। तो ये देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ से इतना बड़ा दिख रहा है ना एकदम ख़तरनाक यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ है नज़ारा सुबह सुबह का और वो देखिए वो प्लस्तर हो चुका था वहाँ से ऐसा कुछ दिख रहा है तो प्लस्तर की टाइम। बाकी पहाड़ों का तो मस्त सीन है अभी तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है पहाड़ों में तो यहाँ प्लेन्स में होती है काफ़ी गर्मी होती है। तो ये देखिए ये रेस्टी गर्मी नहीं सह सकता तू मिट्टी तो नहीं खा रहा तू। अब यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर मैं म्यूज़िक प्लेयर बना रहा हूँ एक मस्त वाला तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए ये बना रहा हूँ ये म्यूज़िक प्लेयर में अभी इसकी कोडिंग चल रही है यहाँ पर पूरी अभी मैंने इतना कोड लिख लिया है। ये देखिए ये सारे सॉन्ग ऐड कर रखे हैं मेरे कम से कम 40-50 सॉन्ग ऐड कर रखे हैं तो अभी जब बन जाएगा फिर दिखाऊँगा मैं आप लोगों को।